रेशियो प्रोपोर्शन का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन कह रहा है थ्री कक्षा है, कितना कक्षा है मतलब तीन क्लास है, कितना क्लास है आपका जी थ्री क्लास, यानी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और क्या है आपका तीन क्लास है। कह रहा है इसमें विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3, कह रहा है तीन संख्या में है ठीक है, करे प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, करे प्रत्येक कितना जोड़ा जाए, प्रत्येक में अगर पांच जोड़ा जाए, मान लीजिए विद्यार्थी ने अगर ये संख्या कर दिया कि तीन संख्या है, पहला संख्या दो एक है, दूसरा संख्या दो है, तीसरा संख्या तीन है, प्रत्येक में कितना ऐड करना है पांच, अगर पांच जोड़ देते हैं तो ये सब कितना हो जाता है रेशियो, ये रेशियो हो जाता है आपका 2:3:4, क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 2:3:4, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कह रहा है तो वे संख्याएं कौन सी है, तो बोल रहा है कि बताइए इस संख्या कौन है, तो आप ही सोचिए तीन मौका लेने का जरूरत है तो उनसे काम चल जाएगा ना मेरा, सोचिए ना यही दोनों को लेते हैं, आप देखिए कितना पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, यानी एक के लिए कितना दिया हुआ है, एक के लिए क्या दिया हुआ है पांच है कि नहीं, तो बोल रहा है कि मेरा स्टार्टिंग में कितना संख्या है, एक के लिए पांच, दो के लिए कितना हो जाएगा, बोलते जाइए दो के लिए कितना, तीन के लिए कितना, पंद्रह, तो यही मेरा संख्या हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, करें दो संख्याएं के बीच 15 और क्या है 7 है, प्रत्येक संख्या में दो कम किया जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा, कह रहा है पहला और दूसरा जो दिया हुआ है 15 और क्या है 7 है, प्रत्येक में दो कम करना है, कितना कम करना है दो कम करना है, 7:3 क्या हो जाता है 3, तो संख्या ज्ञात करें बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसमें कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, और ये ज्यादा का है, तो जब ऐसा रहता था कहाँ बोले थे नीचे देखने के लिए, तो नीचे कितना का अंतर, चार था, इसमें कितना का अंतर आठ का है, तो इसमें किससे गुना आठ से, और इसमें किससे गुना चार से होगा, तो कितना हो जाएगा 15 × 4 = 7, 7 × 4 = 8, कितना हो जाएगा जी 8 × 7 = 56, 8 ये क्या हो जाएगा 24 होगा कि नहीं, पहला हो गया और ये क्या हो गया दूसरा हो गया, कितना पढ़ रहा है इसमें, बोले कितना कम हो रहा है इसमें, कितना कम हो रहा है चार, चार के लिए आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, चार के लिए कितना है जी, चार के लिए दो कम हो रहा है, तो एक के लिए क्या हो जाएगा 2/2 क्या हो जाएगा 4, मतलब 1/2 क्या हो गया 2 हो गया ना, 1/2 निकालना किसके लिए है, तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करें, तो बताइए पहला संख्या कितना है 60, तो 60 के लिए निकालेंगे तो 60 के लिए कितना हो जाएगा 1/2 × 60, यानी कितना हो गया 30, फिर अगला किसके लिए 28 के लिए, तो 28 के लिए कितना हो जाएगा 1/2 × 28, यानी कितना हो गया जी 14 हो गया कि नहीं, तो पहला संख्या हो गया आपका 30 और दूसरा संख्या कितना हो गया 14, ये क्या हो गया आंसर। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं आराम से बना सकते हैं। देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है सेम दिया हुआ है 11 की तरह, कह रहा है तीन कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, तीन कक्षा पहला दूसरा और क्या है तीसरा, कितना अनुपात दिया है जी 4 और क्या है 9 है, कह रहा है प्रत्येक में कितना बढ़ाना है, अगर 12 बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाता है ये 7, 9 और क्या हो जाता है 12 हो जाता है, तो उन तीन कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, तो पहला कक्षा में कितना है 4, 6 × 4 = 10, यानी टोटल कितना संख्या है 19 है, तो देखिए कितना बढ़ रहा है इसमें, कितना बढ़ रहा है तीन बढ़ रहा है, इसमें कितना बढ़ रहा है, इसमें भी कितना बढ़ रहा है, तीन के लिए कितना है आपका 12 है कि नहीं है ना 12, एक के लिए कितना हो जाएगा 4 हो गया, और टोटल संख्या बोल रहा है तो 19, तो 19 इंटू क्या कर देंगे 4 इंटू क्या हो जाएगा 19, तो दिना दिक्कत नहीं ना है, तो 19 × 38 और 19 × क्या हो जाएगा 76 है, आंसर कौन हो गया ये बी नंबर हो गया कि नहीं, समझ पा रहा है ना, इस तरह क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर कितना 19। अब ये थोड़ा सा खाली दिमाग लगा दिया है, कर दो संख्या, पहला संख्या और दूसरा संख्या, ये पूर्णांक में दे दिया है, कर वन पूर्णांक एक बाई दो और रेशियो फिर है दो पूर्णांक दो बाई तीन, दूसरा और क्या दिया है तीसरा, तो कितना दिया है जी एक पूर्णांक दो बाई तीन और कितना हो जाएगा दो पूर्णांक एक बाई दो। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है? अब यहाँ से देखिए सबसे पहले पूर्णांक को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना है ना, अगर सॉल्व करेंगे तो पूर्णांक जानते हैं ना गुणा करना रहता है, तो दो दो और एक तीन, तो कितना हो जाएगा तीन बाई दो, तीन दुना छह आठ बाई कितना तीन, इसको गुणा कीजिए कितना हो जाएगा तीन अधू पांच बाई क्या हो जाएगा तीन, दो दुना दो दुना चार और एक पांच बाई क्या हो जाएगा दो। दिक्कत अब देखिए पहला संख्या और क्या हो गया दूसरा संख्या, ये भागा में है कहाँ चल जाएगा गुणा में, तो कितना हो जाएगा छे आठ में क्या हो जाएगा सोलह होगा, कोई दिक्कत नहीं है इंटरचेंज कर देगा डायरेक्ट, एलसीएम में भी करते हैं दो और तीन का एलसीएम छह होता है, तो छह से कितना करेंगे तो तीन तीन की नौ हो जाएगा, तीन तीन की नौ और ये क्या हो जाएगा आठ गुना सेकेंड और क्या हो जाएगा सेकंड और क्या हो जाएगा थर्ड। अब यहाँ से देखिए इसमें कितना से गुना दस और ये कितना हो जाएगा पंद्रह, क्या हो जाएगा पंद्रह, कितना का अंतर कितना का अंतर एक का, एक के लिए कितना बढ़ा रहा है देखिए प्रत्येक में पंद्रह बढ़ा दिया जाए कितना बढ़ा रहा है तो पंद्रह एक के लिए कितना हो गया पंद्रह, तो बोल रहा है तो इन संख्याओं का बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या कौन है सोलह है कि नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अंडा ही, तो मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए कि यह पर कट जा रहा है ना, ये कट जा रहा है कि नहीं पांच और पांच से कट जा रहा है, पांच और पांच कट जा रहा है एक बचेगा, यहाँ पे पांच पांच कट जा रहा है तो क्या बचेगा एक बचेगा, ये सब तो नहीं कट रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका दो, इशू क्या हो जाएगा आपका तीन। आप देखिए यहाँ से अब इसमें कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है देखिए कितना कम हो रहा है, तो हो गया ये हो गया आपका कितना तेरह और इसमें क्या हो गया नीचे देखते हैं है कि नहीं, नीचे देखेंगे तो कितना का एक का और ऊपर देखेंगे कितना का नौ छह सात का हो जाएगा, तो इसमें किससे गुना सात से और इसमें किससे गुना एक से, ये कितना हो गया नौ और क्या हो गया सोलह और कितना हो जाएगा सात गुना चौदह सत्रह की इक्कीस, कितना का अंतर इसमें देखिए सोलह चार बीस पांच का और इसमें भी कितना का अंतर पांच का, तो पांच के लिए कितना दिया हुआ है पांच के लिए पंद्रह, तो एक के लिए कितना हो जाएगा एक के लिए कितना हो जाएगा एक के लिए तीन हो जाएगा कि नहीं, पंद्रह दिया है तो एक के लिए कितना हो गया तीन, हमको पड़ा सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा संख्या क्या है सोलह, तो सोलह दिया क्या हो जाएगा अड़तालीस, इसको लिख लीजिए अपना बंद कर दीजिए, तो कोई दिक्कत है